छत में आ रखे हैं हम सुबह का टाइम है, और ये जो टोकरा मेरा खराब हो गया था बर्तन धोने का, अब इसमें जो है हमने मट्टी डाल रखी है, और ये फिर किचन वेस्ट है ये डाला है, और इसके ऊपर डालेंगे दोबारा से मट्टी, फिर इसमें जो है धनिया उगाएंगे। मट्टी डालो, धनिया को ज्यादा मट्टी की जरूरत नहीं होती, थोड़ी सी ही डालना है ना। ऊपर से डालो मट्टी, बस 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 बस। ये किसने कैसे जल गया, ये किसने जला दिया ये गमला? ये इन्होंने कुछ करा हुआ पटाखा? कल तक तो ठीक था ये। हाँ, कल तक क्या, अभी ठीक ही था वो। पौधे सौधे सब जला दिए ये इन्होंने, कराए किसी ने कराए वो इनमें से किसी ने उल्टा काम यहाँ पे आके। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, हम भी अपने परिवार के साथ में बहुत अच्छे हैं। और मैं छत पे आ गई हूँ, सब्जी बना दी है मैंने, आज मैंने बना रखी है आलू और सेम की सब्जी, और थोड़ा सा क्यारी का काम कर लेते हैं, उसके बाद जाके करूँगी आगे का काम। धनिया लेके आती हूँ, ये इसमें मैंने धनिया जो है भिगा के रखा हुआ था 2 दिन तक, अब इसको बो देंगे हम, ज्यादा मार ना डालो हम। नहीं, वो अभी पानी पड़ेगा ना तो नीचे हो जाएगा, मतलब वो तो नीचे हमने कूड़ा भी भर रखा ना वैसा वाला। हाँ, ऐसे उठ के मट्टी में। तो धनिया मैंने पहले भी उगाया है 2-3 बार, लेकिन वो उगा नहीं। इस बार हमने बीज जो है खरीद के लाए, बीज वाले से, मतलब पहले हमने ऐसे ही उगा दिया था जो धनिया उसके लिए यूज़ करते हैं ना तड़के वड़के में मसाले के लिए, तो इस बार बीज की दुकान से ही खरीद के लाए, तो देखते हैं उगता कि नहीं उगता, क्योंकि धनिया के अगर 2-4 पत्ते भी मिल जाते हैं उगे हुए तो चटनी बहुत बढ़िया बनती है ना, बजाय की खरीद के खुशबू उसकी अलग होती है, खरीद के लाओ तो उसमें वो मज़ा नहीं आता जो इसमें आता है, उग जाना चाहिए मेरे हिसाब से अब। और फिर लहसुन भी उगाएंगे, लहसुन के पत्ते भी, फिर मज़ा ही आ जाएगा फिर तो, नहीं क्यों? रेस्टोरेंट तो आज है छोटी दिवाली, तो आप सबको जो है छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना। पानी के साथ? हाँ, पानी डाल दो पहले, पानी कोई बात नहीं, पर फिर बाद में मिक्स कैसे होंगे फिर वो? ये बीज है, कितने दिन से बिगा रखे थे ये? 2-3 दिन हो गए। लग गए ना सब, पानी डाल दो फिर इसमें। अब सही है मेरे ख्याल से, है ना? अब इसको ढकना पड़ेगा, क्योंकि बस बस बहुत तो मेरे हिसाब से, तो क्योंकि इसमें अंधेरा चाहिए ना उसको, बीजों को पनपने के लिए अंधेरा। ये रख दो वहाँ पे, ऊपर से दोनों से पकड़ के,
और एक तो फिर बीज भी नहीं खा पाएगी गिलहरी। हाँ ऐसी है, ऐसी रख दो, कोई नहीं, ठीक है ना। चलो फिर एक महीना हो गया छत से आके, मैंने जो है रोटी बना दी थी और सब्जी तो मैं बना के गई थी, और ये अचार है कल का, बहुत अच्छा बना था अचार। और ये तो खा चुके अपना नाश्ता, खाली कर दिया मैंने, एकदम काले काले की मेरे रात समझ नहीं आता। आज थोड़ा लेट हो गया 9:20 पे, आज थोड़ा लेट हो गया वरना हम खा लेते हैं टाइम से। तो मैं खा लेती हूँ फिर नाश्ता, उसके बाद मेरे को आज जो है कपड़े बहुत ज़्यादा हैं धोने के लिए, चादरें वगैरह सब धोऊंगी, सारी चादरें चेंज करूँगी आज, तो फटाफट से नाश्ता करके फिर लग जाती हूँ काम पर। उसके बाद जो है मुझे शूटिंग भी करनी है, मैंने चादरे निकाल दी हैं, सारी हटा दी है चादरे, और सारी सब में नई चादरे बिछाऊंगी, और यहाँ पे भी हटा दिए, और ये भी हटानी है, और कपड़े जो है आधे तो धो निकाल दिए हैं, और ये चादरें डाल रखी हैं अभी। ये सब चादरें चेंज कर दिए मैंने इधर की भी, और ये भी, और इधर की भी जो है, और यहाँ पे ये लगाना पड़ता है क्योंकि राधे बैठता है तो पोटी वोटी कर देता है इस चक्कर में, और बर्तन वगैरह भी धुल गए हैं। तो अब मैं झाड़ू लगा देती हूँ, चादरें अभी हो ही रही है, और 12:15 हो गए हैं तो फटाफट से झाड़ू लगाना है, झाड़ू लगा देती हूँ फिर पोछा मारूंगी। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और मेरे कपड़े मैंने धो के डाल दिए सुखाने के लिए। देखिए इतने से सारे कपड़े, ये इधर भी, और मैं नहा भी गई हूँ, और मारुती जो टीवी देख रहा है, ये सारी सारी चादरें चेंज कर दी मैंने, मारुती देख रहा है टीवी। मारुती को तो मैंने रात का दाल भात और छाछ बना के दे दी, यहाँ की भी, और हम तो जो है ऐसे ही अब खाना नहीं बन रहा, दिन का बहुत देर हो गई है, तब शाम को देखेंगे। नमकीन पड़ गई थी, मैं यही खा रही हूँ, भूख तो ले गई सुबह नाश्ता किया था, तो आज छोटी दी आ रही है, फिर शाम को देखेंगे शाम को क्या, फिर मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, सुबह जब से उठे जो है काम चल रहा है नॉन स्टॉप, और बाकी लगभग तो काम हो ही गया है, बाकी फिर कल का दिन तो है, कल का दिन भी है, बाकी काम कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, ठीक है। लंबा मिलती हूँ शाम को, खूब संध्या दोस्तों, शाम की जो है 6:30 हो रहे हैं, और मैंने जो है दोपहर में राजमा भिगा दी थी, और ये मैंने उबाल के भी रख दी है, तो आज रात के खाने में जो है राजमा बनेगा, क्योंकि आज दिन में हमने चावल ही बनाए, तो अब मैं रात को राजमा चावल बनाऊंगी। तो मैं छोंक देती हूँ, फिर मेरे को थोड़ा सामान लेने भी जाना है, मैं फटाफट से राजमा छोंक देती हूँ। मिल गया रिमोट,
तीसरे में क्या है? वही है व्हाइट कलर के रसगुल्ले। बहुत सारे जितना डब्बा है उतना रख देंगे फ्रिज में। मैंने इसमें टमाटर और लहसुन और हरी मिर्च पीस दी है और प्याज ऐसी डालूंगी काट के। और ये बिल्ली आ गई यहाँ पर, मैं तो पैर धो के भी आ गई। बहुत बढ़िया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये टमाटर लहसुन का हरी मिर्च। लाल मिर्च, धनिया, बहुत क्या कहते हैं हल्दी, हल्दी, नमक, अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। ये अब इसको उबलने के लिए रख देती हूँ। जब तक ये उबलता है तो ये बर्तन और है, इन्हें धो देती हूँ फटाफट से। राजमा बनके तैयार है, गैस बंद कर देती हूँ। बर्तन भी मैंने धो दिए हैं, 7:30 हो रहे हैं और चावल भुगा के भुगा देती हूँ, आके फिर चावल चढ़ाऊंगी। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा मार्केट में सामान लेने के लिए, सब्जी लेने के लिए फटाफट। मैं आ गई मार्केट से और आके मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं, दूध भी चढ़ा दिया है और ये सेब और थोड़ा सा सामान लेके आई थी। और अब मैं पूजा कर देती हूँ, 8:10 हो रहे हैं और आज है छोटी दिवाली। छोटी दिवाली आज पहले मैं बाहर लगा देती हूँ दिए। ये लगा दी है, काफी लोगों ने लड़ी इधर भी। ये है हमारी रोड। तो 8:30 हो रहे हैं, मेरी पूजा भी हो गई है, फिर थोड़ी देर में खाना वाना खाएंगे। और तो इस ब्लॉग का एंड भी मैं यहीं पे कर देती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग में। तो आप सबको हैप्पी दिवाली, फिर कल मिलते हैं दिवाली वाले दिन। आज के लिए शुभ रात्रि।